वॉचमैन जैक स्नाइडर की बनाई हुई एक मास्टरपीस है। ये कॉमिक बुक वॉचमैन पे बेस्ड है, लूजली बेस्ड है, एक काफ़ी चीज़ें इसमें रियलिटी पे भी बेस्ड हैं जो कि तुम्हें देख के काफ़ी ही मज़ा आएगा। अगर मैं बेसिक्स बताऊँ इसके, तो एक कैरेक्टर रहता है जिसकी मौत हो जाती है मिस्टीरियसली और किसी को पता नहीं चलता है कि किसने मारा उसको, और वो पुराने एक टाइप ऑफ जस्टिस लीग का मेम्बर रहता है जो टीम वॉचमैन की रहती है। जैसे जस्टिस लीग है वैसे ही वॉचमैन का टीम होता है एक। इसमें एक कैरेक्टर है डॉक्टर मैनहट्टन करके, वो कैरेक्टर एक लिटरल गॉड है, लाइक लिटरली वो कैरेक्टर एक गॉड लाइक कैरेक्टर है। इसके पास हर वो पावर है जिसका तुम नाम ले सकते हो, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ओमनीपोटेंसी, ओमनीप्रेजेंस और भी कई सारे, और इसी के अराउंड ये पूरी मूवी रिवॉल्व करती है। एक्चुअली ये भी मेन कैरेक्टर नहीं है, बहुत सारा एक इन्वेस्टिगेशन चलता है, वो मैं बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूँगा। तुम वो मूवी जाके देखो और तुम्हें देख के काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये मूवी अपने टाइम से काफ़ी आगे की थी। हाँ ये बात है कि आर रेटेड मूवी है, तो अकेले देखना, शायद तुम्हारे मॉम डैड को पसंद ना आए। और तुम ये मूवी देख के जरूर बताना कि तुम्हें कैसा फील हुआ। ये पूरी मूवी कोल्ड वॉर के एरा के दौरान रिवॉल्व करती है, तो तुम्हें देख के काफ़ी थ्रिलिंग महसूस होगा। और अगर तुम सुपर हीरो फैन नहीं भी हो, फिर भी ये तुम्हें एक वर्ल्ड क्लास सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा। भले ही ये डीसी के कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, बट अभी भी वॉचमैन के कैरेक्टर को बहुत लोग नहीं जानते हैं, और ये एक सुपर हीरो के प्रस्पेक्टिव से ही नहीं, सिनेमैटिक तौर तरीके पे भी ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है। तो आज का रिकमेंडेशन यही है, द वॉचमैन, और तुम ये मूवी देखो, तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा। और मिलते हैं एक अगली वीडियो में अगली किसी अंडररेटेड मूवी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम ऐसे ही मास्टर क्लास मूवीज़ देखते रहो और तुम मज़े लूटते रहो। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलना, @nonhumanguy तुम सर्च करोगे तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली इंटरटेनिंग और अंडररेटेड मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।